आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब आइए, मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूं, जनाबे असद आजमी साहब को, जिनका ये वो शायर है जिसको गजल के मुशायरे में बड़ी शोहरत हासिल हुई है और नादिया मुशायरे में बड़ी इज्जत भी मिलती है इस शायर को। पूरे हिंदुस्तान भर में इनकी कई ऐसी नज़में हैं जो सोशल मीडिया के जरिए और तमाम मुशायरे के खत्म होने के बाद सामयिक के होठों पे गुनगुनाते हुए हमने देखा है असद आजमी साहब की वो नज़में, वो कलाम कि डूबते जाते हैं नजरें और नजर बेदूर है, एक मुसाफिर है हरम का और हरम से दूर है, डूबती जाती है नजरें और नजर बेनूर है, एक मुसाफिर है हरम का और हरम से दूर है, दिल पे अब काबू नहीं और ज़हन है बेचैन सा, काफिले वालों मदीना और कितनी दूर है। आइए मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ असद आजमी साहब को, जो आपका बहता जेता वफ़ नहीं वो शायर, बाकायदा तो गजल की महफिल हो चाहे नादिया महफिल हो, सामईन के चेहरे पे चमक लाने का काम जानते हैं वो और सामईन से ताक ले लिया करते हैं वो, नाम असद आजमी डाइस पर मौजूद शोरा इकराम मेहमान खुसूसी हाफिज सुफियान अहमद साहब, बड़े भाई हाजी रिजवान अहमद साहब, हाजी रिजवान खान साहब मेरे करम फरमा हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं माशाल्लाह। रजब भाई, दिल भाई, ताबिश, मोइन आमिर, वसीम झिंझानवी सब मेरे अपने बड़े करम फरमा हैं और माशाल्लाह यासिर भाई की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। बहुत छोटी सी उम्र से बरौली मेरा बराबर आना होता है, लेकिन जलसे और मुशायरे की नस्बत से कम आना होता है। अल्लाह का शुक्र है कि सब मेरे अपने जानने वाले हैं, सब मेरे चाहने वाले हैं। मैं यहाँ से एक मतला और एक शेर से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। हाजी रिजवान मेरे बड़े भाई हैं, इनके हवाले से, हाफिज़ सुफियान साहब के हवाले से, और हमारे चचा तैयब शेख साहब माशाल्लाह अपनी बड़ी मोहब्बतों से शोरा को नवाज रहे हैं। आपके हवाले से, आप मेरे बड़े हैं, मेरे वालिद से भी ज़्यादा उम्र के आप हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं आपके कदमों में रखते हुए ये शेर यहां से मतलब पहुंचाता हूं। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ समाज पर मैं के सब कुछ तो मयसर है मगर शाद नहीं है। सुनिएगा, इस मुशायरे को मुशायरा बना दें, बहुत अच्छा माशाल्लाह ये मुशायरा चल रहा है, बिल्कुल जवान हो चुका है ये मुशायरा, दिल खैराबादी तक पहुंचते पहुंचते ये मुशायरा बुजुर्ग हो जाएगा। आप सबके हवाले मतला करता हूँ, सुने के सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है, दिल याद इलाही से जो आबाद नहीं है, याद इलाही से जो आबाद नहीं है। हमारा रहनुमा हमेशा से मुसलमान होता था और कयामत तक हमारा रहनुमा मुसलमान होगा। तो ये पेश करता हूँ यहाँ से, बतौर खास पढ़ता हूँ शेर, सुने के सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है, दिल याद इलाही से जो है, तादाद में हम कम है तो कमजोर ना समझो। मिस्रे में आप सब आजमगढ़ वाले हैं, आजमगढ़ का पैगाम पूरी दुनिया सुनती है, पूरा हिंदुस्तान सुनता है, पेश करता हूँ सुने के तारीखी अशार बढ़ाया अपने, वाह वाह वाह।
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह नहीं है माशाल्लाह। रजब भाई रिजवान भाई ये वाला मोहल्ला बड़ा मजबूती से सुन रहा है। ये हमारे चचा जो बड़ी खूबसूरत सिंह की मोछे हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे जी, बिल्कुल जवान है ये। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आपने इस मुशायरे में चार चांद लगा रखा है। अल्लाह आपका साया सब बच्चों पर सलामत रखे। आपके हवाले से बहुत खूबसूरत सा ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे ये भी भाई सब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। आप सबकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। फिर मैं चार मिसरे बतौर खास पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता कुछ मेरे भाई पीछे से कह रहे थे कि एक घंटे से कम नहीं पढ़ना है आपको। बड़ा मसला होता है क्योंकि ये सब मेरे अपने बड़े हैं, इन्हीं के पास से हम लोग पढ़ते पढ़ते पूरे हिंदुस्तान का सफर तय किए। आप सबकी मोहब्बतें हैं जो भी आज हम सब कुछ हैं। पढ़ता हूँ चार मिसरे और बिलखुसूस पढ़ता हूँ बतौर खास इरशाद के सब कुछ हुआ मगर कभी ऐसा न हो सका। सुनिएगा रिजवान भाई, आपके हवाले से हाफिज सुफियान साहब माशाल्लाह मेरे बड़े करम फरमा है। बड़ी मजबूत हस्ती है, बड़े वजनदार भी हैं माशाल्लाह। ये देखने में भी वजनदार हैं और इनका वेट भी बहुत वजनदार है। ये स्टेज की रौनक बने हुए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अल्लाह तैयब शेख साहब को सलामत रखे। हमारे बड़े करम फरमा है। पेश करता हूँ समाज फरमाए कि सब कुछ हुआ मगर कभी ऐसा न हो सका। मुझसे अमीर शहर का सजदा न हो सका। मुझसे अमीर शहर का सजदा न हो सका। कहने हैं वाह 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 ज़मीर का सौदा न हो सका। मुझसे मेरे ज़मीर का सौदा न हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब माशाल्लाह इतना बेहतरीन मुशायरा सुन रहे हैं कि आप सब हक अदा कर रहे हैं। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मिठागिरी नहीं है ये बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि आप सबके मुंह पे आ गया तो तारीफें बयान कर रहा हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सच है वो बोल रहा हूँ। आजमगढ़ वाले किस तरह मुशायरा सुनते हैं हमसे ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे जिले के लोग आजमगढ़ की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो यही पड़ा पड़ा आप सबके दरमियान में हमेशा आना जाना होता है। रिजवान भाई मेरे करम फरमा है, हाफिज सुफियान साहब तैयब भाई और मेरे यासिर भाई, इन सबके बीच रहता हूँ। चार मिसरे और पढ़ता हूँ आप सबके हवाले। खूबसूरती से सुन लीजिएगा, जितना खूबसूरत आपने सुना उससे कहीं अच्छा शेर आ रहा है। चार मिसरे पढ़ता हूं समाज फरमाए के अजर वो बेहिसाब पाएगा। अजर वो बेहिसाब पाएगा। अजर वो बेहिसाब पाएगा। सुना आप सब मेरे भाई हैं, अगर शादी हो चुकी है आप सबकी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शादी नहीं हुई है तो इस शेर पर अमल करिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास पढ़ता हूँ सुने के अजर वो बेहिसाब पाएगा। क्योंकि ये मामले जो है वो शादी के बाद ज्यादातर क्रिएट हुआ करते हैं, तो आप सब सुने अजर वो बेहिसाब पाए पाएगा। मर्तबा लाजवाब पाएगा। मर्तबा लाजवाब पाएगा। रिजवान भाई अब अगला शेर जो आ रहा है आपके हवाले से, क्योंकि आप महाप्रधान हैं, आपके हवाले से पूरे फूलपुर बरौली टेउआ खुरासों जितना भी यहाँ से गांव जुड़ा हुआ है मैं सबके हवाले करता हूँ, पेश करता हूँ सुने के मर्तबा लाजवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को
जिंदाबाद जिंदाबाद पाएगा एक हज का सवाब पाएगा मर्तबा लाजवाब पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और आप सबके दरमियान रफ्ता रफ्ता एक खूबसूरत सिनाते पाक तक पहुंचना चाहता हूं। बहुत ज्यादा फरमाइशें हैं इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ूंगा। कितने लोग उस नाते पाक को सुनना चाहते हैं जरा सा हाथ उठाकर बताएं। बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जरूर पढ़ूंगा। पेश करता हूँ यहाँ से चार मिसरे और बिलखुसूस आपके दरमियान में पढ़ता हूँ। समाज फरमाए दिलों में फिर वो अपने जज्बाए ईमान पैदा कर दिलों में फिर वो अपने जज्बाए ईमान पैदा कर तू मोमिन है तो मोमिन की अलग पहचान पैदा कर मोमिन है तो मोमिन की अलग पहचान पैदा कर इलाही दुश्मन इस्लाम का सर उठ रहा है फिर इलाही दुश्मन इस्लाम का सर उठ रहा है फिर तू अब फिर जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा सलमान पैदा कर क्या कहने हैं बाबा अब फिर हंसला खालिद सफर सलमान पैदा कर। और रिजवान भाई तरह तरह की बात आती है कि हम मुस्लिम की औरतों को ये दे देंगे ये चीज उनके लिए कर देंगे कोई तलाक देगा तो 3 साल की जेल हो जाएगी फलाना ढिमका एक तलाक दे दे तो तलाक हो जाएगा 3 तलाक का मसला ही खत्म कर दिया। एक ही तलाक में कभी तलाक नहीं होता। ये हमारा इस्लाम कहता है ये हमारा कुरान कहता है हम उसे नहीं छोड़ सकते हम किसी की बातों को नहीं मान सकते। आप 1,00,000 कानून लाए 1,00,000 बिल पास करें हम नहीं मान सकते। चार मिसरे में पूरी सच्चाई के साथ आपके दरमियान में पढ़ता हूँ। आजमगढ़ का बच्चा हूँ आजमगढ़ का भाई हूँ आप सबके दरमियान से निकला। अगर ये मैसेज वहां तक पहुंच जाए जहां तक पहुंचाना चाहता हूँ तो आप सब जुड़िएगा मेरे साथ। रिजवान भाई हाफिज सुफियान साहब हमारे शेख साहब तशरीफ फरमा है बतौर खास पढ़ता हूँ समाज फरमाए। जहां को फैज और रहमत का सदा इनाम देता है जहां को फैज और रहमत का सदा इनाम देता है भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है को अगर समझ में आए तब आप मुझे दादो तहसीन से नवाजिएगा। पेश करता हूं सुने सिर्फ भारत नहीं दुनिया के हर गोशे औरत को सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं बाबा बाबा मर्तबा क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं बाबा बाबा बेशक क्या कहने हैं बाबा बाबा जी। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम की मोहब्बतों को सलाम। बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ लेकिन आप सबकी मोहब्बतें हैं कि हम लोग पढ़ ले रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। फिर चार मिसरे आपके दरमियान पहुँचाता हूँ बतौर खास सुने जहाँ को फैज और रहमत का सदा इनाम देता है भलाई का हर एक इंसान को
मजहब से ऊंचा